तो दोस्तों आप सभी लोगों को मिलाने वाले हैं, ये रहे दोस्तों मेरे। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिजेरिया ब्लॉग्स में। दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों कल की वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग आए दोस्तों अपना ननिहाल, और रियाजी दोस्तों आए हुए अपना मामा ससुर घर, यानी कि मेरा मामा घर हुआ ना, जिनका मामा ससुर घर हुआ। और नाना जी इधर बैठे हुए हैं मेरे नाना जी, पहले इनसे थोड़ा आशीर्वाद लेते हैं सुबह सुबह। ये मेरे नाना जी हुए और एक नानी जी उधर जा रहे हैं। चले उनसे मिलाते हैं आप सभी लोगों को। मेरी ये छोटी नानी है, और एक नानी से नहीं मिलवाए, बड़ी नानी से। ये छोटी नानी है तो कहाँ चल रहे हैं? कहाँ चल रहे हैं? बीड़ा आने। अच्छा, तो दोस्तों ये अभी जा रहे हैं अभी बीड़ा लाने के लिए, वो जो धान का जो बीड़ा होता है ना, क्योंकि अभी गांव में अभी धान कटाई का अभी सीजन चल रहा है, तो मतलब काट नहीं गया ना, काटा हुआ हो गया, बस बीड़ा लेकर के आना, धान का बीड़ा। तो ये जा रहे हैं और नाना जी चले गए आगे। तो गांव का कुछ कल्चर ही होती है दोस्तों, सुबह सुबह सभी लोग अपने अपने खेतों में भिड़ जाते हैं काम काज में। कहते तू जा भाई, तो हाँ तो ये बाढ़ में करूंगी ना। हाँ तो हाथ में जाते जाए, कौन थी ना, उठी ना। अच्छा ठीक है ना, तो नानी जी जा रहे हैं खेत में, तो अभी हम लोग चलेंगे पहले इधर साफ सफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। रिया जी जो मैथिल नानी है वो अभी दूध अभी निकाल करके अभी चले गए, थोड़ा सा दूध वहाँ मतलब कि पहुँचाने। तो रिया जी भी झाड़ू लगा ही रहे थे, तो आधा अधूरा है, तो चलिए रिया जी झाड़ू लगा लेंगे। चांदनी कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? अच्छा लग रहा ना। तो इधर यहाँ लकड़ी का यहाँ बोझा यहाँ बंधा हुआ दोस्तों, गांव में कुछ इसी तरह से होती है गांव की जिंदगी। इधर पल्हा उल्ला इधर लकड़ी उकड़ी इधर रखा हुआ है, इधर बैल बकरिया इधर खूटे हुए हैं। और यहाँ हम लोग का गांव से भी ये जो है ना, ये ज्यादा इधर जंगल झाड़ है, यहाँ तो घर ही नहीं, यहाँ वहाँ एक आध दो को यहाँ घर मिलते हैं। रिया जी को तो काफी यहाँ अच्छा लग रहा है, कह रहे रिया जी। और नाना जी वहाँ बैठे हुए और देख रहे हैं। चांदनी बोल रही कि हम छोटा वाला ले जाएंगे। चांदनी क्या कह रही है? छोटा वाला ले जाएंगे। हाँ चांदनी, तुम बकरी लेके जाएगी? हम लोग का अपना बकरी नहीं है दोस्तों, तो चांदनी के लिए लेके चलेंगे बकरी को। चलेगी चांदनी यहाँ से? कौन वाला? देखो तो कौन वाला सा कोगी ले जाने। कौन वाला? कौन वाला? कौन वाला सकेगी? चलो तो लोग गाड़ी में बैठा करके ले जाते हैं स्कूटी में। हाँ कितना चाव से यहाँ खा रहे दोस्तों, सारे बकरे यहाँ पाला खा रहे हैं अभी। और नाना जी इधर बैठ के इधर धूप इधर सेक रहे हैं, तो सूर्यदेव इधर उगे हुए हैं सुबह सुबह। रिया जी इधर बाड़ी को देख रहे हैं, क्या लगाए हुए हैं इधर, क्या लगा हुआ है? हल्दी है, आदि है। क्या क्या है? हल्दी आदि। अच्छा हिंदी आओ ना। नाना जी कहे इधर क्या क्या लगाए हुए हैं? आ उधर और एगो नानी इधर है, तो हिंदी आवाज तो और एगो नानी मेरी आ गई, सब यहाँ नानी है ना। बहुत दिनों के बाद मतलब आए है ना। रिया जी फर्स्ट बार यहाँ आए, एक भी बार यहाँ नहीं आए, इतना दिन होने चला। और ये भी नानी है, रायते पता नहीं रायते भेंट कर। हाँ मोर मतलब मेरी माँ की चाची तो नानी हुए ना सभी लोग है ना, पूरा रूरल एरिया है। और अभी बरस अभी कर है नानी जी, अभी दतवन ले लिए हैं, और सखवा का दतवन है गांव में, ऐसे ही बरस करते हैं ना दतवन से। ठीक है मुकान धोवा तो हाँ देखे किना किना नाना, लेकिन लगा लाते हैं खेत बाड़ी में है ना। हल्दी है और क्या की इधर देख रहे हैं। पपीता कहाँ है? अच्छा अच्छा इधर भी एगो पपीता इधर है। हाँ पूरा यहाँ खुला एरिया, मतलब कितना यहाँ आराम है और कितना ही सुखमय जीवन है गाँव में, दन एकांत जगह पूरा शांति। एक घर यहाँ है तो उधर आगे में एक घर है, फिर उधर एक घर है, मतलब बीच बीच में यहाँ घर है, और काफी यहाँ अच्छा जगह है। और नाना जी इधर फूल तोड़ दे रहे हैं इधर चांदनी के लिए, और रिया जी इधर फुमाल लेकर के आ रहे हैं, और इसको थोड़ा सा आग जला देंगे। और रिया जी अभी अंदर आ रहे हैं घर के अंदर माचिस निकालने के लिए। और ये किचन है दोस्तों, ये मंजिल नानी का ये घर है, ये किचन है, ये नहीं मिला माचिस। अच्छी आए हो नाना, किधर के अच्छी में है, खाली आए हो? कंधे कंधे रखे है तो कहाँ आए? और नाना जी खोज दे रहे माचिस, रिया जी को नहीं मिला माचिस ना। चांदनी चांदनी भी आ गई, अरे ये डब्बा माचिस है रे।
नाना जी एक डब्बा माचिस रखे हुए है नया नया। चलिए क्योंकि दुकान है इसीलिए सारा चीज लेकर के आते हैं ना। ले आवा 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 हिंदी आवा बाहर वाके। तभी आप सभी लोगों को पूरा घर दिखाते हैं दोस्तों कैसा घर है किस टाइप का घर है। और ये घर जो है पूरा मिट्टी का घर है ये। और गांव में सभी के घर ऐसे ही होते हैं। सुबह सुबह हम लोग यहाँ आग से मतलब जला करके यहाँ सेका रहे थे इसलिए हम लोग यहाँ आग जलाए थे। यहाँ ठंडा इधर ज्यादा लगता हम लोग का घर तरफ से। और यार जी इसको आग जला दिए सारा ये सूख जाएगा और फेंक देंगे। हाँ। कितना फूल तोड़ देंगे अभी तो नाना जी फूल तोड़ दिए थे अब फिर फूल तोड़े के रहा तो वहाँ फूल वही अभी तो फूल है यहाँ पे रखा हुआ स्कूटी में आ जाओ खास ही ना की नाना जी क्या कह रहे लाओ फूट गया धान होगा यहाँ पे इसलिए फूट गया। तो दोस्तों आप सभी लोगों को मिलाने वाले हैं हमारे ये रहे दोस्तों मेरे बड़े मामा जी। बहुत अच्छा लगा हम लोग यहाँ आकर के और हम लोग सोच रहे थे लेकिन उससे भी ज्यादा रियाज जी को प्यार मिला और काफी अच्छा रहा। और ये मेरे बड़े मामा जी हैं और छोटे मामा जी तो मेरे बाहर में है क्योंकि गाँव के अधिकतर लोग दोस्तों पेट के खातिर अपना रोजगार के लिए बाहर में खटने जाते हैं तो वो बाहर में वो जॉब करते हैं। और मझले मामा भी है तो अभी चले गए हैं खेत और अभी आए मतलब बारिश आए अभी गए थे पटाने के लिए क्योंकि भोर में ही जाना पड़ता है। पानी पटा करके आए हैं। पानी पटा करके आए हैं मिले इनसे कल हम लोग शाम में आए थे ना तो इनसे भेंट नहीं हुई थी वो खेत में गए हुए थे और आते आते काफी समय हो गया और यहाँ लाइट का भी व्यवस्था नहीं है इसीलिए रात में नहीं भेंट करवा पाए। आज मिला रहे बड़े मामा जी से। तो दोस्तों अभी नानी जी भी अभी आ गए और तो नानी जी गए थे दोस्तों दूध पहुंचाने के लिए क्योंकि गांव का जीवन कुछ इसी तरह से होती है दोस्तों मतलब जो दूध होती है ना वो थोड़ा गए थे वो उधर दुकान में पहुंचाने के लिए। चलिए अभी आ रहे हैं नानी जी और मामू अभी चले गए अभी पानी उधर पटाने के लिए क्योंकि टीन करके पानी पटाना पड़ता है दाढ़ी ओरी में और कुड़ी से और रिंग से। तो अभी चले गए खेत बाड़ी और देखे चांदनी का क्या कर रही हो। और चांदनी भी दोस्तों यहाँ आकर काफी हैप्पी है बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को आज मेरा मामू घर का होम टूर कराते हैं मतलब दिखाते हैं कि मेरा मामा घर कैसा है किस तरह से गांव के घर होते हैं गांव का जीवन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों आंगन से। इधर एक खटिया इधर बिछाया हुआ है सुबह सुबह यहाँ धूप तापने के लिए सही होता है। इधर एक माचा है तो बैल उल वहाँ खुटते हैं नीचे में बरसात के दिनों में। और इधर एक बकरी का ये शेड है जहाँ बकरी उकरी यहाँ रखते हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं दोस्तों अंदर में। आप सब लोग आज होम टूर बढ़िया से करा रहे हैं और ये एल्वेस्टर और खपल का घर है। तो जैसे हम लोग एंट्री करेंगे अभी थोड़ा सा बस करके दोस्तों ये देखिए सब घर गांव के ऐसे ही होते हैं। आ जाओ बेटा तू तो छोटी है। जैसे हम लोग अंदर आएंगे दोस्तों इधर एक प्यारा सा किचन है मेरा नाना और नानी जी का। ये मेरे मैजले नाना नानी हुए तो इनका किचन है ये। और किचन के कुछ कुछ सामान है परात है इधर पथिया है टप है बाल्टी है और इधर झोला रखा हुआ और ये झाड़ू है ना जो नानी जी लाए हुए हैं झाड़ू। जैसे आप लोग हमारी ब्लॉग्स में देखे होंगे दोस्तों हम लोग झाड़ू बनाए थे ना तो ये कांटा वाणी ने इधर ये सब कुदाली है जो खेत में काम करने के लिए। इधर चूल्हा है जो हम लोग सुबह हम लोग खाना बनाए हैं दोस्तों। इधर हंडी उंडी है लकड़ी से खाना बनती है। तो चले अंदर वाला दिखाते हैं आप सभी लोगों को। हाँ अंधेरा दिखेगा फिर भी। और ये सिलपट्टा है दोस्तों जो मसाला वसाला पीसते हैं नानी जी। और ये अंदर का रूम है दोस्तों सामने यहाँ गिर गई। और ये थोड़ा सा यहाँ अंधेरा लग रहा है इधर खाटे उठे इधर बिछाए हुए हैं। और वो पूजा वाला रूम है इसको भूत वाला रूम बोलते हैं दोस्तों गांव का भाषा में। यहाँ भूत रहते हैं। यहाँ पे अंधेरा दिख रहा है जो नानी जी यहाँ पूजा पाठ किए हुए है अंधेरा लग रहा है। और इधर कोठा वाला घर है दोस्तों ये तो ये कुछ छोटा मोटा घर द्वार है होम टूर है दोस्तों मेरा जो मामू घर है। और ये देखिए मेरे नानी जी क्या निकाल करके ले आए अंदर से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नानी और नतनी का दोनों का प्यार मतलब कि उसको प्रेम कहेंगे। वो साड़ी दे रहे हैं अभी नहाने के लिए लोग चलेंगे ना कुआं तो वो साड़ी निकाल के दे रहे हैं अभी नानी जी। तो चलिए और थोड़ा सा बाकी ये आप सभी लोगों को पूरा देते हैं दोस्तों जो इधर है एक घर है। हाँ ये वाला गोहाल आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं खोल करके। और ये गोहाल घर है दोस्तों ये। और यहाँ
बैल और बकरियां यहाँ पे रहते हैं कुछ इस तरह से। हाँ, इधर हांडी टांगा हुआ दोस्तों, दीपावली में पूजा पाठ करते हैं। और अंदर में एक घर है। तो ये वाला है गोहाल घर, इसको यहाँ बकरियां रहते हैं। कुछ हमारा मामा घर है दोस्तों, और बार बार हमको यहाँ डर लगता है। ये देखिए, देखिए आप भी सटिएगा, लग जाएंगे आ जाइए। तो ये दोस्तों कुछ मेरा मामू घर का होम टूर। अब लोग चलते हैं ये वाला घर पे, आप सभी लोगों को दिखा रहे दोस्तों ये घर पे क्या है। तो चलिए, और ये भी बाकी ना रह जाए। हाँ। तो ये अरे चांदनी, और दोस्तों ये ढेकी है, जैसे कल की वीडियो में आप लोग देखे होंगे हम लोग ढेकी कूटे थे ना। ये देखिए, यहाँ भी ढेकी है, क्योंकि हर एक घर में मतलब गाँव में ना ढेकी होता ही होता है। हाँ, और ये कोयला है, आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं। ठंडा के दिन में नाना नानी तापते हैं। और ढेकी भी हम लोग का भी वहाँ ढेकी, लेकिन हम लोग का अपना नहीं है। और देखिए इधर वो क्या रखा, ये दूधी माटी है ना। हाँ, ये दूधी माटी। और दोस्तों ये वाला सफेद मिट्टी है जो यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये सफेद मिट्टी है। और चांदनी हुआ उठ रही है ना। और यहाँ दिया भी रखा हुआ है लाइट के लिए। अरे वो देखिए, हाँ ये कुंडी है दोस्तों, इसी से पानी उठाते हैं। और इसके ऊपर देखिए दोस्तों, ये मुर्गी बैठी हुई है, बच्चा मतलब निकालेगी अंडा से। मेरा मामू घर आपने देख लिया दोस्तों, घर कैसा है। आजा बेटा, आजा। ये मछली नानी का घर है। और एक जो नीचे में आप लोग देखे होंगे तो वो डर जाते हैं ना, रस्सी है, वो छोटे नानी का घर है। बढ़िया से हो गया पूरा होम टूर। देखिए मुर्गी भी है इन लोग के घर में, नाना नानी के घर में। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों को अपनी मतलब मम्मी से मिलाएंगे दोस्तों, क्योंकि बात भी सर बढ़िया से कर ली है, मामू लोग भी बढ़िया से बातें कर ली है। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी लोगों को मिलाएंगे दोस्तों, अपनी मतलब फैमिली वाले से, मतलब माँ से मिलाएंगे ना, चांदनी दादी से मिलेगी ना। हाँ, चांदनी भी एक्साइटेड है मिलने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, खुश रहे, खुशियां बांटे, बाय बाय दोस्तों।